नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल एंड आर के कैंपस ऐप। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए हैं CGL, CPO, CHSL, MTS एंड दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के 52 मॉक टेस्ट, 52 मॉक टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किए गए हैं, और इन 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट में हम लोगों ने 80% क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, पिछले 15 से 20 साल के एग्जाम के अंदर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें सेट किए हैं। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस, 10% क्वेश्चंस हम लोगों ने बिल्कुल न्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट किए हैं, और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हैं। 10 क्वेश्चंस इसमें आपके करंट अफेयर्स के हैं, जो एग्जाम से जस्ट बिफोर 7 से 8 महीने पहले जो करंट है उसके आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो इन मॉक टेस्ट में हम लोगों ने सेट किए हैं। तो आप यदि 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो इनकी कॉस्ट जो है, कीमत जो है, वो केवल हम लोगों ने 59 रुपीज़ रखी है। 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं जिनकी कीमत जो है वो केवल 59 रुपीज़ है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप आर के कैंपस ऐप डाउनलोड करें और ये खरीद सकते हैं। साथ में हम लोगों ने इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर है, दिस इज इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, और इसमें विद सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। विद सॉल्यूशन है आपके मॉक टेस्ट, ये नहीं है कि केवल क्वेश्चंस और आंसर हैं, विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो आज हम गाइस डिस्कस करेंगे नाउन के ऊपर, डिटेल में डिस्कस करेंगे भी नाउन क्या होता है। भी देखिए, नाउन जो होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन कहते हैं। भाई किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, दैट इज नाउन। और इस संसार में तीन ही चीज़ें हैं, पर्सन मिलेंगे, प्लेस मिलेगा और थिंग मिलेगा, दैट इज अ नाउन। अब हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन का हम लोग आप अध्ययन करेंगे। पहले नाम बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट नाउन जो होती है वो होती है हमारी, दैट इज प्रॉपर नाउन, दैट्स प्रॉपर नाउन। नंबर दो पे आपकी आती है, दैट्स कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर तीन पे दैट इज कलेक्टिव नाउन, दैट्स कलेक्टिव नाउन। नंबर चार पे दस मटेरियल नाउन, दैट्स मटेरियल नाउन। एंड पांच पे दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खासियत बता दूं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है इन चार नाउन से वेरी डिफरेंट होती है, वेरी डिफरेंट होती है। आगे आपको डिटेल में हम इसका, इसके बारे में बताएंगे। सो देर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हाट अ प्रॉपर नाउन इज, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम हो, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम हो। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर एनिमल एंड पार्टिकुलर थिंग। क्या डेफिनेशन होगी प्रॉपर नाउन की?
अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम हो, किसी पार्टिकुलर एनिमल का नाम हो, किसी पार्टिकुलर थिंग्स का नाम हो, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा अध्ययन कर लें डिटेल में। पार्टिकुलर पर्सन क्या होते हैं? जैसे किसी ने कहा भाई मोहन जो है, मोहन ये कौन सी नाउन है? दिस इज प्रॉपर नाउन। क्यों है? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। अब सीता जो है, सीता जो है, सीता इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर गर्ल, किसी एक लड़की का नाम है, ठीक है ना। सो कोई भी नाम हो, सीता हो, गीता हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी नाम हो सकता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। उसके बाद में आते हैं प्लेस के ऊपर। हम लोग देखिए किसके ऊपर आते हैं, प्लेस के ऊपर आते हैं। प्लेस, प्लेस में क्या है? जैसे मैंने कहा भाई अलवर क्या है, इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर सिटी। तो यहां पे अलवर क्या है? दिस इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है ना। भाई दिल्ली है, दिल्ली एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। तो कोई पार्टिकुलर प्लेस हो ना, दैट इज कॉमन नाउन, दैट्स अ कॉमन नाउन। अब हम लोग आते हैं प्लेस के बाद में एनिमल्स के ऊपर आते हैं। भाई एनिमल्स के ऊपर आते हैं, एनिमल्स में क्या होता है? भाई मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एनिमल का नाम हो, जैसे क्रो है, काऊ है, काऊ क्या है? दिस इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों है प्रॉपर नाउन? क्योंकि एक पार्टिकुलर एनिमल का नाम है, पार्टिकुलर एनिमल का नाम है। हैन है, एक पार्टिकुलर एनिमल का नाम है। किसी बर्ड्स का नाम भी हो सकता है, किसी बर्ड्स का नाम भी हो सकता है। तो कोई भी एनिमल का नाम हो, कोई बर्ड्स का नाम हो, पीकॉक हैन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इनके नेम्स जो होते हैं, दिस इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल एंड बर्ड्स, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आते हैं हमारे पास थिंग्स। भाई सबसे पहले हमने क्या बताया कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, इज दैट क्लियर, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर एनिमल एंड पार्टिकुलर थिंग। अब देखिए भाई थिंग के अंदर आपका क्या क्या आएगा, थिंग के अंदर आपका क्या क्या आएगा ये आपको डिटेल में बता दें। जैसे भाई किसी भी नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर किसी नदी का नाम हो, जैसे गंगा है, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? दीज आर प्रॉपर नाउन, दीज आर प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ अ रिवर। अच्छा जी नेक्स्ट में आ जाइए आप, नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ माउंटेन किसी माउंटेन का नाम हो, जैसे अरावली है, अरावली, अरावली पर्वत है, दिस इज प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ बुक, बुक एक थिंग्स है, नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक में क्या आ जाएगा आपका? भाई गीता है, रामायण है। सो दीज आर प्रॉपर नाउन, दीज आर प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डे, जैसे ट्यूसडे है, कोई आपसे कहीं भी ट्यूसडे कौन सी नाउन है, दिस इज प्रॉपर नाउन है। ट्यूसडे है, मंडे है, कोई भी दिन का नाम हो सकता है, दैट्स अ प्रॉपर नाउन। एंड नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, नेम ऑफ मंथ्स, दिस इज मान लीजिए मार्च है, अप्रैल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? दीज ऑल आर प्रॉपर
प्रॉपर नाउन, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन. ओके सो गाइज, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सो मेरी वीडियो को लाइक पे शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें. जय हिंद.